हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूं, अगर बात करते हैं उस मकान की साइज की, तो यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास मकान की चौड़ाई है वो हमारे पास है कि 35 फीट, और जो हमारी मकान की लंबाई है या पीछे से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है कि 36 फीट है। तो 35 × 36 हमारे पास टोटल मकान का एरिया हो जाएगा, और इस मकान के चारों तरफ इनकी खुद की प्रॉपर्टी है। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है 5 फीट का मेन गेट, और इस मेन गेट को हम जैसे ही खोलते हैं तो 5 फीट 3 इंच चौड़ाई के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक इतना सा एरिया रहेगा हमारे पास ओपन। फिर इस तरफ पर हमारे पास है डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर स्टेयर, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर हो जाएंगे डाउन, और 3 फीट बाई 3 फीट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग रहेगा। यहाँ पर हमारे पास है पोर्च, और पोर्च के जैसे सामने रहेगा हमारे पास घर का मेन डोर 4 फीट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोलते हैं तो हम एंटर होते हैं लॉबी के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 10 फीट। लॉबी की इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास है पूजा रूम, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 5 फीट, जिसकी 3 फीट की विंडो हमारी सामने निकल रही है। पूजा रूम से बाहर आते हैं वापस मेन डोर, तो इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा, और हम एंटर होते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। और इसी ड्राइंग रूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फीट 3 इंच बाई 6 फीट, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन यहाँ पर निकल रहा है। अब इस अटैच टॉयलेट से वापस बाहर आते हैं तो ये हमारे पास हो गया ड्राइंग रूम। इस तरफ चलते हैं तो लॉबी, लॉबी की इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास है डाइनिंग एरिया, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 10 फीट, जिसकी 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। डाइनिंग एरिया की इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 11 फीट, जिसकी एक 4 फीट की विंडो सामने और एक 4 फीट की विंडो यहाँ पर निकल रही है। किचन से बाहर आते हैं तो डाइनिंग एरिया, इस तरफ चलते हैं तो लॉबी, पीछे की साइड चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा घर का है फर्स्ट बेडरूम, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए दोस्तों ड्रेसिंग है, जिसकी हमारे पास साइज है 5.5 फीट बाई 5 फीट, और इसी के साथ यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5 फीट बाई 6 फीट, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन पीछे निकल रहा है। अब इस बेडरूम से बाहर आते हैं, इसके जस्ट पास में यहाँ पर देखिए 3.5 फीट का दरवाजा, और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फीट बाई 12 फीट, जिसकी 4 फीट की विंडो पीछे निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फीट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 5.5 फीट बाई 6 फीट 3 इंच, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन यहाँ पर निकल रहा है। तो चलिए एक बार मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 35 फीट मकान की चौड़ाई है, 36 फीट मकान की लंबाई रहेगी। यहाँ सामने की तरफ 5 फीट का मेन गेट है, ये ओपन है, यहाँ पर रहेगा स्टेयर, ये रहेगा पोर्च, यहाँ पर पूजा रूम, ये घर का मेन डोर, यहाँ पर लॉबी, ये हमारे पास रहेगा ड्राइंग रूम, जिसका ये अटैच टॉयलेट रहेगा। इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है डाइनिंग एरिया, ये हमारे पास रहेगा किचन, पीछे की साइड चलते हैं तो ये हमारा बेडरूम, इस बेडरूम का अटैच ड्रेसिंग, अटैच टॉयलेट, ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम, इसका ये अटैच टॉयलेट। तो अगर ये डिजाइन आपको अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन आ रहा उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर ये डिजाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिजाइन के अंदर इतने, वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।